माधव हो गया, आप करो ज्वाइन अप। ओके यस क्वाइट। चलिए वेरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। सो वी आर गोइंग टू रिवाइज सर्कल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू सम एग्जांपल्स ऑफ द सर्कल चैप्टर एंड आफ्टरवर्ड्स थोड़ा इधर उधर आफ्टरवर्ड्स वी विल डू सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज विच आर यूज्ड टू कम इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में सर्कल चैप्टर के क्वेश्चन मोस्टली बुक में से आते हैं, और जो बोर्ड पेपर के क्वेश्चन हैं वी डू इट इन द एंड, मतलब आफ्टरवर्ड्स आफ्टर डूइंग एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन फ्रॉम द बुक वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ सर्कल्स। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देर इज अ स्मॉलर सर्कल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, their common center is O, right? And the chord of the larger circle, let us take chord AB of the larger circle, this touches the smaller circle, let us suppose that it is touching the smaller circle at the point P. We want to prove that this chord AB, it is bisected at the point of contact. Chord AB, it is bisected at the point of contact. This we want to prove. That means indirectly we want to prove that AP is equal to PB. First of all, if I make the radius of the circle OP, then definitely this radius is going to perpendicular on this AB. Why so? Because this AB, it is the tangent of the smaller circle, and being the tangent of the smaller circle, it is going to perpendicular to the radius through the point of contact. तो पहली बात तो हमारे पास क्लियर है दैट हियर ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, बीइंग रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इट विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, राइट? नाउ इफ वी सी एबी, दिस इज द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, है ना? एबी लार्जर सर्कल की क्या है? कोड। अगर मैं इस सर्कल को रब कर दूं, अभी अभी हम प्रूव कर चुके हैं, हम बता चुके हैं दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, and in 9th standard we did one result in which we learned that perpendicular drawn from the center to the chord always bisect the chord, right? So iska matlab ye hua, if op is perpendicular to ab and ab being chord of the larger circle, this implies that op will bisect ab and this implies ap is equal to PB. OP will bisect AB and this implies AP is equal to PB, right? That means indirectly we are using two theorems to prove it. पहले theorem के through हमने ये बता दिया कि OP AB के perpendicular होगा, AB being the tangent. और दूसरा theorem हमने use किया, पहले theorem को use करते हुए हमने छोटे circle पे इसको tangent ले लिया, और दूसरी बार थ्योरम यूज करते हुए हमने इसको बड़े सर्कल की क्या कंसीडर कर लिया? कोड। एंड कोड इज ऑलवेज बाइसेक्टेड बाय द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम द सेंटर। दिस वैसे भी हो जाता है, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंसी से भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड एग्जांपल। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू, दे आर ड्रॉन टू अ सर्कल with center O. We are having a circle with center O. There are two tangents. One is TP, another is TQ. From an external point T, two tangents are drawn to this circle. We want to prove that PTQ, this is equal to two times, बच्चे आवाज मंद, two times OPQ. PTQ is equal to two times OPQ. This we want to prove. सबसे पहले तो यहाँ पे OPQ हमें बनाना पड़ेगा. This is the angle OPQ. हमें ये प्रूव करना है कि ये जो OP ये PTQ है, that means this P T Q, this angle
this is equal to 2 times OPQ. This is equal to 2 times APQ. OPQ, this we want to prove. अभी अगर हम 2 मिनट के लिए इसको देखें OPQ को फिगर के अकॉर्डिंगली, वी वांट टू प्रूव दिस OPQ और PTQ का रिलेशन हमें प्रूव करना है. अगर हम OPQ को ध्यान से देखें तो दिस OPQ एंगल दिस इज इक्वल टू दिस OPT माइनस PPQ. ध्यान से देखो फिगर के अकॉर्डिंगली हमारा ये जो OPQ एंगल है दिस विल बी इक्वल टू this total angle OPT minus the angle on the TPQ. दोनों angles को minus करेंगे and figure के accordingly हमें ये जो है OPQ मिलेगा. Right? Why I am doing it like so? Because I know the value of OPT. TP being tangent, OP being radii, this OPT will be 90 degree. इतना पता है ना हमें? तो हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं. OPQ इज इक्वल टू 90 माइनस TPQ. नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड दिस TPQ. हमें इस TPQ की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ PTQ, क्योंकि हमारे आंसर में दो एंगल्स इन्वॉल्व हैं. एक तो OPQ जिसके साथ मैंने स्टार्टिंग की है अपने क्वेश्चन की, एंड सेकेंड एंगल दैट इज इन्वॉल्व इन आवर प्रूफ दैट इज PTQ, एंड दैट आई नीड. राइट? OPQ से स्टार्टिंग करते हुए हम किसी तरह से इस TPQ को PTQ से रिप्लेस करना चाहते हैं. एंड यू नो दिस TPQ और PTQ दे ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल का पार्ट है, यानी कि इस ट्राइंगल में हम इस एंगल की वैल्यू TPQ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ PTQ फाइंड करने की कोशिश करते हैं और उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एंड वी विल रीच द रिक्वायर्ड रिजल्ट. देखना कैसे. इन ट्राइंगल पी टी क्यू हम इन तीनों एंगल्स का सम लिखते हैं. पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी दिस इज इक्वल टू 180. दिस इज द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स. ठीक है, पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू प्लस पता नहीं शिविया उधर चल मेरे लगता है क्लास लगा रहे हैं वहां. हाँ जी, पेन सिंह मुझे लगता है कंप्यूटर लैब में होगी, जूनियर कंप्यूटर लैब में देख लो. PTQ प्लस TPQ प्लस TQP दिस इज इक्वल टू प्लीज क्वाइट. तीनों का सम हमारे पास 180 है. ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें वैल्यू चाहिए TPQ की इन टर्म्स ऑफ PTQ, यानी कि ये दोनों जो हमें नजर आने चाहिए. दिस वी डोंट वॉन्ट टू सी, ये एंगल हमें रिप्लेस करना है. इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी टर्म्स में निकालनी है, इसका मतलब इसको गायब करना है. राइट, सी इन द फिगर द एंगल TPQ एंड TQP, ये दोनों बेस एंगल इस ट्राइंगल के इक्वल हो जाएंगे. व्हाई सो? बिकॉज वी नो दैट द टेंजेंट TP एंड TQ दे आर इक्वल. टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल टू द सर्कल दे आर ऑलवेज इक्वल. ठीक है, बीइंग आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब TPQ एंड TQP दे आर गोइंग टू बी द सेम, दे आर गोइंग टू बी द इक्वल. ठीक है, तो इट मींस आई कैन रिप्लेस दिस TQP विद TPQ. चलो रिप्लेस कर दें इसको. PTQ प्लस TPQ प्लस TPQ दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल PTQ प्लस 2 टाइम्स TPQ दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. हमें किसकी वैल्यू चाहिए? TPQ की, है ना? तो TPQ की वैल्यू यहां से निकालें. 2 टाइम्स TPQ दिस इज 180 माइनस PTQ. सो एंगल TPQ 2 को जाके उधर डिवाइड कर दो, 90 माइनस हाफ PTQ. ये देखो समझ आता है? दिस इज 90 माइनस हाफ PTQ, इसमें रिप्लेस कर दो. सो एंगल OPQ दिस इज 90 माइनस फॉलोड बाय ब्रैकेट 90 माइनस हाफ PTQ, ब्रैकेट माइनस को अंदर लेके जाओ, 90 माइनस 90 प्लस हाफ PTQ. तो 90 90 गेट कैंसिल. एंगल OPQ दिस इज हाफ एंगल PTQ, 2 को उधर ले जाओ,
2 times OPQ is equal to PPQ, and this was what we want to prove, that PTQ, this is equal to 2 times OPQ. Very easy. Agar aap isko question proof mein se isko humne shuru karna hai, whatever we want to prove, from that we will start. Kaise? Yahan pe hamare paas jo 2 proof hai, PTQ is equal to 2 OPQ. हमने किसको उठाया? सबसे पहले OPQ को. रीजन बीइंग बिकॉज हमें यहाँ पे कुछ एंगल है जो विच इज नोन टू अस. ये एंगल हमें पता है. Why so? Because हमें टेंजेंट और परपेंडिकुलर का रिलेशन पता है. तो यहाँ से हमने जब स्टार्टिंग की, हमारा OPQ इन टर्म्स ऑफ TPQ आया, जबकि हमें अपने आंसर में OPQ को इन टर्म्स ऑफ PTQ प्रूव करना है. ठीक है, तो इसके लिए इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के we find TPQ in terms of PTQ. ठीक है, find करने के बाद replace कर दिया and you reach the required result. दो steps हैं, दो steps में theorem over हो जाता है. अगर आपको इसका थोड़ा सा, कहते हैं ना, कान पकड़ लो तो अपने आप ही बच्चे सुधर जाते हैं. कान पकड़ने की देर होती है. ठीक है ना, चलिए. और कुछ लोग कान पकड़ने से सुधर जाते हैं, कुछ लोग जब तक कान लाल ही ना हो जाता पूरा, तब तक भी नहीं सुधरते. चलिए एग्जाम्पल थर्ड. यस, सी एग्जाम्पल नंबर थर्ड. यस दिलप्रीत, लुक बुक ही रही है हमारे पास. यू आर कमिंग टू स्कूल फॉर व्हाट पर्पस? यू आर कमिंग फॉर स्टडिंग एंड यू आर नॉट हैविंग बुक विद यू. ऑल ऑफ यू आर सपोज टू ब्रिंग योर बुक हु आर कमिंग टू स्कूल. Yes. Next question. Example number third. Quiet all of you. Example number third. PQ is a chord of circle. There is a circle. And PQ is its chord. PQ is chord of a circle जिसकी length हमारे पास 8 centimeter है. PQ is a chord of a circle whose length is 8 centimeter and the radius of the circle is given to be 5 centimeter. Tangents at P and Q intersect at T. P and Q पे अगर हम इस सर्कल की टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, they are meeting at the point T. T point पे ये टेंजेंट्स मीट कर रही हैं. We want to find the length of TP. That means we want to find the length of this tangent TP. हमें इस tangent TP की length जो है वो find करनी है. अब देखो इस question में हम एक चीज याद रखेंगे. सबसे पहले तो we cannot see any triangle in this figure. But if we do one construction, definitely we will get one triangle. And I'm joining this OP. इसको point R बोल दो. जैसे ही मैंने इस TO को ज्वाइन किया, आई कैन सी दीज आर द टू ट्राइंगल्स. दिस इज ट्राइंगल वन, ट्राइंगल टू. नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन फर्स्ट दैट दिस PQ इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट R, दैट मींस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय पॉइंट R. एंड फॉर दिस रफली सा मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगा. ये कॉन्ग्रेंसी के थ्रू होगा. अगर मैं ट्राइंगल TPR एंड ट्राइंगल TQR की बात करूं आपके सामने, then obviously these triangles are congruent. Reason क्या है? एक तो दोनों tangents की length equal, दो sides साथ साथ की equal हो गई. TR TR common. और आपको याद होगा एक theorem हमने किया था, line from the center to the point from where the tangents are drawn, this always bisect the angle between the two tangents. ठीक है, इसका मतलब ये angle इस angle के equal है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, दिस इज द कॉमन साइड. सो एस ए एस रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रेंट है. इफ दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, देन नेचुरली बाय सीपीसीटी पीआर विल बी इक्वल टू आर क्यू. तो पहली बात हमें पता चल गई दैट पीआर इज इक्वल टू आर क्यू. और अगर टोटल 8 है, ये दोनों कितने की इक्वल हो जाएगी? 4. बोथ ऑफ दीज दे विल बी 4 ईच. इसकी वैल्यू भी 4 और इसकी वैल्यू भी 4. Those who are not in habit of attending the classes, I'm just telling you, if in exam you are going to see some extra questions which we see from our experience, कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं,
प्री बोर्ड में या बोर्ड में आते हैं और आप नहीं कर पाते हो, यू आर नॉट एबल, तो वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ यू आर नॉट इन हैबिट ऑफ अटेंडिंग द क्लासेस. चलिए, सो पीक्यू एंड आरक्यू दोनों की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई. एंड मोर ओवर हम कॉन्ग्रेंसी प्रूव करके ही हम साथ ही ये भी कह सकते हैं दैट दिस एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, हम प्रूव नहीं करेंगे, जस्ट लिख देंगे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट, एंड बोथ आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, और दोनों लीनियर पेयर के अगर दोनों एंगल्स इक्वल हो तो ईच विल बी 90 डिग्री, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री भी चारों तरफ बन रहा है ड्यू टू दिस कॉन्ग्रेंसी, इस कॉन्ग्रेंसी के जरिए. अब हमारा पूरा जो क्वेश्चन है इट इज रिवॉल्व अराउंड दिस पार्ट ऑफ द फिगर, ये जो ट्राइंगल आपको बीच में से दिख रहा है, दिस इज पी आर, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, TP we want to find. ठीक है, सो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम इस राइट एंगल, छोटे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल OPR, एंड वी यूज पाइथागोरस, एक्चुअली वी नीड टू फाइंड दिस, हम इसको x मान लेते हैं, राइट. सो अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर एंड वेरी इजिली वी कैन सी दैट दिस इज 3, राइट. नाउ यू नो यहाँ पे भी अगर हम वापस सर्कल में जाके देखें, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द रेडियस एंड दिस विल बी 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस फिगर इज इन्वॉल्विंग टू राइट एंगल ट्राइंगल विच आर टू बी यूज्ड टू क्रैक दिस एक्स, दैट मीन्स टीपी, राइट. तो फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल आई हैव यूज्ड एंड आई एम गेटिंग दिस आर ओ टू बी 3. सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन आई एम यूजिंग, लेट अस सपोज दिस टू बी वाई, इसको y कह दो, rather 3 right angle triangle है इस figure में, this is this one and एक बड़े वाला, तो मैंने इधर वाला छोटे वाला triangle use करके ये निकाल लिया, ठीक है, एक इधर वाला छोटे वाला triangle भी use कर लो, क्या आएगा, x square is equal to y square plus 16, यही आएगा, ठीक है. अगर हम ये वाला इसको triangle number 2 कह देते हैं, इसको 1 कह देते हैं, 1 triangle को use करके 3 आया, second triangle को use करके हमारे पास x and y में एक relation आ गया. Now we know that there are 2 variables x and y, and to solve the find the values of the 2 variables we need 2 equations. Second equation हम form करेंगे, ये जो हमें बड़े वाला right angle triangle दिख रहा है यहाँ से, इसमें we will apply Pythagoras theorem. This is 90 के opposite hypotenuse, and hypotenuse is TO and its value is y plus 3 whole square. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल में अगर ये मैं राइट एंगल ट्राइंगल लू, 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि टीओ का स्क्वायर, टीओ में कौन कौन है, y plus 3, इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x स्क्वायर प्लस बेस 5 स्क्वायर, दैट इज 25. फर्स्ट इक्वेशन हमने सेकंड नंबर वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल यूज किया इधर वाला, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6. ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई. नाउ वेरी इजी, आप किसी भी एक इक्वेशन में से, हमें x की वैल्यू चाहिए, हम y को एलिमिनेट इतनी जल्दी करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू स्क्वायर में है, तो बेटर है कि हम x स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ से इधर पुट कर देते हैं. x आ गया तो y अपने आप ही, y आ गया तो x अपने आप ही आ जाएगा. सो आई एम रिप्लेसिंग x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन द रिसेंट फॉर्म्ड इक्वेशन, दिस इज y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25. So further it is equal to using a plus b whole square, you will be getting a square plus 2ab plus b square equal to y square plus 41. Y square get cancelled. So 6y is equal to 41 minus 9. 6y is equal to 32 and y is equal to 32 upon 6. ठीक है, y की वैल्यू आ गई. वी डोंट नीड y, वी एक्चुअली नीड दिस x, दैट मींस लेंथ ऑफ द टेंजेंट TP हमें चाहिए. तो व्हाट यू विल डू, व्हाटएवर y यू आर गेटिंग, पुट इन एनी ऑफ द इक्वेशन टू गेट x. लेट अस पुट इट इन द इक्वेशन नंबर 1. y की वैल्यू जो 16/3 आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सो लेट अस रिप्लेस y इन इक्वेशन नंबर 1. X square is equal to 16 upon 3 square plus 16.
I will take 16 as common. This is 16 by 3 plus 1. So x square 19 by 3. 4 root 19 by 3 नहीं आएगी वैल्यू, हमने कोई गलती की है. 16 by, अच्छा 3 का स्क्वायर था, ओके. तो यहाँ पे 9 आएगा ना. 16 स्क्वायर में से मैंने 16 बाहर ले लिया क्योंकि उधर स्क्वायर है ना, तो उसको मैनेज करने के लिए कि स्क्वायर रूट 16 का इजिली निकल सकता है. 3 का स्क्वायर नीचे हो गया 9, 9 प्लस 16 यहाँ पे आएगा 25, नीचे 9. Now, सारे परफेक्ट स्क्वायर बैठे हैं. स्क्वायर शिफ्ट्स ऑन अनदर साइड विल बिकम स्क्वायर रूट. इट विल बी 4 इनटू 5 अपॉन 3 एंड दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन 3. दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट यू कैन सी टू द सर्कल. इसी में पाइथागोरस थ्योरम ही लगाया. प्लीज तो पाइथागोरस थ्योरम से पुट की है वैल्यू इसमें. अच्छा वही बात है कि वो भूमिका कह रही है कि फर्स्ट एंगल में जाके वाई की वैल्यू पुट कर दो और फिर पाइथागोरस लगा दो. इस मेथड से इसको करोगे ये इजी रहेगा. बुक में देखोगे समझ नहीं आएगा कि 3 बार पाइथागोरस लगना है, एक बार राइट ट्रायंगल में, एक बार लेफ्ट ट्रायंगल में, एक बार बड़े ट्रायंगल. चलो वी कंटिन्यू टुमारो.